राधे राधे फ्रेंड, कैसे हैं आप? कान्हा जी की कृपा से सब ठीक ही होंगे। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं दिखाऊंगी कि आप राधाष्टमी पे कैसे डेकोरेशन कर सकती हैं घर पर। तो ये देखिए, तो राधा रानी का जन्म तो रावल में हुआ था, तो मैं आपको सबसे पहले रावल के दर्शन कराती हूँ। ये देखिए हमारा रावल। ये देखिए, ये राधा रानी की सखी हैं। आपको पता है कि राधा रानी के अष्ट सखियां हैं। ये हमारी राधा रानी, मतलब हमारी लाड़ों की जन्म में देखो सब कितने खुश हैं। तो देखिए मैं, ये देखिए, ये मैंने कुंड बनाया है और कमल के फूल में अपनी लाड़ों का जन्म किया है, क्योंकि पता है राधा रानी कमल के फूल में ही जन्म लिया था। तो देखिए हमारी लाड़ों को, अब मैं आपको ले चलती हूँ रावल के दर्शन कराने। ये देखिए, पीछे देखो सहनाइयाँ बज रही हैं। ये देखिए हमारे राधा रानी के जन्म की खुशी में, और उसके पीछे देखिए ये सब लोग सहनाई बजा रहे हैं खुशी से, क्योंकि हमारी लाड़ू का जन्म हुआ है। तो देखिए ये है हमारा रावल। अब आप देखिए लाड़ों के दर्शन कर लीजिए कमल के फूल में। तो रावल के दर्शन आप कर चुके हैं, हमने रावल के दर्शन आपको करा दिए हैं। अब ले चलती हूँ मैं आपको बरसाना धाम। तो ये आ गई हम अब बरसाने। तो आपने बरसाने के दर्शन तो किए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर राधा रानी और कान्हा जी के साथ उनकी सखियाँ भी लगी रहती हैं। देखिए मैंने वो सखियाँ भी लगाई हैं, ये देखिए।
ये राधा रानी की सखी हैं और ये भी राधा रानी की सखी हैं। तो अब मैं कराती हूँ आपको बरसाने धाम के दर्शन। ये देखिए, ये हमने बरसाना धाम तैयार किया है। ये देखिए, अब मैं पास से आपको लाडू के दर्शन करा देती हूँ, ओ बिहारी जी के। तो ये हो गया हमारा बरसाना धाम। पहले हमने राधा रानी का जन्म दिखाया है आपको, फिर हमने राधा रानी का बरसाना धाम दिखाया है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। राधे राधे, और सभी को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।